तो देखिए हम लोग का जो नाम है इसका नाम क्या है बाबू? कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार तंत्र। क्या कहते हैं इसको? संचार तंत्र। तो देखते हैं सबसे पहले संचार होता क्या, बहुत ही आसान है। देखिए जब भी किसी संदेश को या किसी भी इंफॉर्मेशन को या सूचना को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, एक स्थान से, चाहे वो किसी तरीका से भेजे, फोन करके भेजे, लेटर लिख के भेजे, इशारा से भेजे, चाहे किसी भी रूप में भेजे, तो उसको क्या कहते हैं? संचार। क्या कहते हैं? याद रखिए किसी सूचना या संदेश को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? संचार। तो देखिए यहाँ बोल रहा है किसी सूचना या संदेश को किसी प्रकार से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए संचार क्या है तब लिख लोगे। अब बात करते हैं संचार तंत्र। क्या कहते हैं? तो कोई भी जब संचार होता है तो संचार में आखिर कुछ ना कुछ तो होगा युक्ति जो हमारे हेल्प करेगा। क्या करेगा? हमको हेल्प करेगा, तो उसी क्या कहेंगे? संचार। क्या कहेंगे? संचार तंत्र। तो याद रखिए किसी भी संचार तंत्र में मेनली तीन चीज होता है। कितना चीज होता है? याद रखिए किसी भी संचार तंत्र में मेनली कितना चीज होता है? तीन। ठीक है, और वो क्या क्या है उस चीज को थोड़ा समझते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसी भी संचार तंत्र में मेनली तीन चीज होता है, वो है पहला प्रेसी, दूसरा योजी, तीसरा ग्राही। याद रखिए प्रेसी, योजी और ग्राही। प्रेसी, योजी और ग्राही। समझते हैं कि प्रेसी क्या होता है? बहुत ही आसान है। जैसे मान लो हम किसी को फोन लगाए, हम किसी को तो जिस फोन से लगाए ये फोन कहलाएगा प्रेसी। क्या कहेगा? प्रेसी। अब सोचो जरा सा, अब सोचो बीच में क्या टावर है कि नहीं, सेटेलाइट है कि नहीं, तो सोचो अगर ये सब नहीं रहता तो क्या संदेश जा पाता? तो वो सब क्या कर रहा है भाई? मेरे सिग्नल को लेके जा रहा है। और एक जिसको फोन लगा है, जिसको फोन लगा वो हो गया ग्राही। वो क्या हो गया? तो देखो यहाँ पर कितना चीज है? तीन। पहला है प्रेसी, जिसको फोन लगाए वो ग्राही, और तीसरा जो सबको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? योजी। आ रहा समझ में? तो टावर वगैरह तार वगैरह जो बीच में आया होगा उसको क्या कहेंगे? योजी। आसान सा चीज है। तो वही बोल रहा है किसी सूचना या संदेश को किसी प्रकार से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने की प्रक्रिया में प्रयोग आने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? प्रयोग आने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? और याद रखिए किसी संचार व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण तंत्र निम्नलिखित दर्शाई गई है, और वो कौन कौन है? पहला क्या है वो? प्रेसी। दूसरा कौन है? योजी। और तीसरा कौन है? ग्राही। याद रहेगा प्रेसी, योजी और ग्राही। याद रखिए प्रेसी जो है सिग्नल को भेजता है, योजी क्या करता है प्रेसी और ग्राही को जोड़ने का कार्य करता है, ग्राही क्या करता है संदेश को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। आ रहा समझ में? तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा, देखो प्रेसी तो बोल रही है कि इस संदेश को उचित संकेत के रूप में परिवर्तित करता है। किसके रूप में? उचित संकेत के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे संकेत का प्रेषण एवं ग्रहण आसानी से किया जा सके। क्लियर हो ही चुका था, पढ़ा भी चुके थे, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। योजी किसका बात कर रहे हैं? तो याद रखना यह प्रेसी एवं ग्राही को जोड़ने वाली व्यवस्था है। प्रेसी और ग्राही को क्या करने वाली है? और ये तार योजक, तारहीन योजक तथा तंतु योजक होते हैं। याद रखना ये तीन तरह का होता है। एक तारहीन होता है, तारहीन जैसे मुक्त आकाश। क्लियर है? सिग्नल वगैरह जाता है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ से फोन किए टावर तक गया, यहाँ से वहां तक कोई तार जोड़ा, तो ये क्या हो गया? मुक्त आकाश। क्या हो गया? एक होता है तार योजक। जैसे देखो यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्शन है ये तार से आया, किससे आया? ठीक है, तो ये तार योजक। ठीक है, सॉरी, जनरली जो हम लोग डिश वाला कनेक्शन होता है वो तार योजक होता है। ठीक है, और एक होता है तंतु योजक। कौन योजक? तो ये जो इंटरनेट वाला है यही है ऑप्टिकल फाइबर। कौन फाइबर? जिसको कहते हैं प्रकाश तंतु। यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रकाश के रूप में आता है। किसके रूप में? और प्रकाश के रूप में ये क्या हो जाता है आपका, फिर नेट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इंटरनेट। अरा समझे? अब देखिए क्लियर हो चुका होगा। अब ग्राही का बात करते हैं। बोल रहा ग्राही का कार्य सूचना को प्राप्त करके इसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। यानी ग्राही क्या करता है, जो भी सिग्नल आया उसको क्या किया? सबसे पहले वो प्राप्त किया, और प्राप्त करके जहां पहुंचाना उसको पहुंचा दिया। क्लियर है? आगे समझ में? अब देखो संचार प्रणालियां। कौन प्रणाली? तो याद रखना संचार प्रणाली मेनली दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? एक होता है बिंदु से बिंदु संचार, एक होता है प्रसारक। एक होता है बिंदु से बिंदु संचार, दूसरा होता है, याद रखिए, बिंदु से बिंदु संचार और प्रसारक। तो बिंदु से बिंदु संचार किसको कहते हैं समझो? जैसे मान लो ये लड़का किसी को फोन लगाया। किसको? हाँ, फोन लगाया किसी को। ठीक है, अब मान लो डायल किया। ठीक है, डायल किया उसके फिर बोलता है हेलो। ठीक, अब मान लो उधर से भी कुछ होता होगा, तो मान लो ये बात कर रहा, बताइए ये क्या हो गया? प्रेसी।
ये क्या हो गया? और जिसको फोन लगा वो क्या हो गया? ग्राही। अच्छा बताओ, प्रेसी और ग्राही तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा बताओ, क्या प्रेसी और ग्राही के बीच जो भी बात हुआ क्या हमको पता चलेगा? आप लोग को पता चलेगा? नहीं, किसी को नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देने वाला एक किट है, यानी भेजने वाला एक और ग्रहण करने वाला भी कैट हो, एक कैट याद रखिए, जिसमें एक ही देने वाला और एक ही लेने वाला, याद रखना, जिसमें एक कैट हो देने वाला, एक कैट हो उसको कहते हैं बिंदु से बिंदु संचार। क्या बोलते हैं? याद रखिए, जिसमें एक ही प्रेसी और एक ही ग्राही है उसको क्या कहेंगे? बिंदु से बिंदु संचार। तब वो प्रसारण हो गया, अब प्रसारण कर रहे हैं। ठीक, ऐसा थोड़े करना चाहिए। और हमको पता है लड़का लोग बहुत प्रसारण करता है, फोन लगा लिया, स्पीकर ऑन कर दिया, सब दोस्त साथ में बैठा है कि नहीं? कस्टमर केयर से जब बात करता होगा होता है कि नहीं? इसीलिए बाबू कोई भी है तो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा कुछ। तो बुझ गए? तो देखिए, इधर देखिए, बिंदु से बिंदु संचार में क्या बोलता है? बोला इस संचार प्रणाली में एक प्रेषक तथा एक ग्राही होता है, एक ही प्रेषक और एक ही ग्राही। और जब किसी व्यक्ति द्वारा संदेश प्रेषित किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस संदेश को क्या किया जाता है? जिसे कोई तीसरा व्यक्ति प्राप्त, तीसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त, उसी क्या कहते हैं? बिंदु से बिंदु संचार। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण टेलीफोन पे बात। किस पे बात? या फिर हम ही किसी को नाम ले जाकर बात करें, वैसा बात। ठीक है, अब चलो बात कर रहे हैं प्रसारण। क्या कर रहे हैं? अरे सुनो तो, प्रसारण क्या होता है इस चीज को समझो, बहुत ही आसान है। प्रसारण एकदम सिंपल सा चीज है। ठीक, तो देखिए बात कर रहे हैं प्रसारण का। किसका प्रसारण? सिंपल सा ऐसा होता है जिसमें एक ठो देने वाला होता है लेकिन लेने वाला बहुत सारा। याद रखना, देने वाला लेकिन लेने वाला। जैसे देखिए ध्यान से, हम अभी संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, आखिर मान लो इन्फॉर्मेशन ही तो है ये सब। हम संदेश आप तक क्या कर रहे हैं? तो हम हो गए प्रेसी, हम क्या हो गए? लेकिन ग्राही आप लोग सबको ही है कि नहीं? तो ये हो गया प्रसारण। क्या हो गया? याद रखिए, जिसमें प्रेसी एक लेकिन ग्राही हो अनेक, प्रेसी एक लेकिन ग्राही हो। जैसे आप मैच वगैरह देखते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, तो जैसे मान लो स्टार स्पोर्ट्स चैनल लगाते हैं आप लोग, तो बताइए क्या सिर्फ आप ही देख रहे होंगे या बहुत कोई देख रहा होगा? पूरा वर्ल्ड में देख रहा होगा, उसको देख रहा है कि नहीं? लेकिन बताओ, उसको जो भेज रहा होगा, उसको जो प्रेषित कर रहा होगा, वो तो एक ही कंपनी स्टार स्पोर्ट्स, वही चैनल भेज रहा है, लेकिन देख रहे हैं आप लोग सब कोई। तो बोलो प्रेसी कैट होगा एक, और ग्राही कितना होगा? तो ये क्या कहलाएगा? प्रसारण। क्या कहलाएगा? तो देखिए क्या बोल रहा है, इस प्रकार की संचार प्रणाली में प्रेषक एक, देख रहा, प्रेषक परंतु कितना अनेक ग्राही होते हैं। उदाहरण दे दिया टेलीविजन प्रसारण। क्या दिया? आगे समझ में। अब बात करते हैं संकेत का। किसका? जिसको कहते हैं सिग्नल। क्या कहते हैं? अब देखाते संकेत क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्वनि ऊर्जा, कौन ऊर्जा? आप तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? लेकिन इमेजिन करो हम किसी को फोन करें, किसी को फोन, तो बताओ मेरा बात वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? तो क्या मेरा आवाज जा सकता है उस तार में? नहीं ना। तो सबसे पहले फोन में क्या लगा रहता है? एक माइक लगा रहता है, वो क्या करता? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, और विद्युत ऊर्जा क्या हुआ उसमें गया। तो बोलो मेरा जो संदेश है एक संकेत के रूप में बदला होगा, विद्युत संकेत के रूप में, जिसको भेजना क्या हो सके? आसान हो सके। याद रखिए, जब भी किसी सूचना या संदेश को हम विद्युत रूप में बदल देते हैं, किस रूप में? ताकि उसको किसी तार में भेजना क्या हो जाए? आसान हो जाए। उसको भेजना और ग्रहण करना क्या हो जाए? उसी को कहते हैं क्या? संकेत। क्या कहते हैं? तो देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी संदेश को प्रेषित करने के लिए किस रूप में? विद्युत रूप में परिवर्तित की जाती है, संदेश के विद्युतीय रूप को क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। संदेश के विद्युतीय रूप को क्या कहते हैं? वो संकेत कहते हैं। बोलो कोई टेंशन, जरा सा भी क्लियर हो रहा होगा? ठीक, अब बात करते हैं संकेत के प्रकार। किसके प्रकार? याद रखना, संकेत जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? पहला होता है अनुरूप संकेत, दूसरा होता है अंकिक संकेत। पहला होता है अनुरूप, दूसरा क्या होता है? तो अनुरूप और अंकिक संकेत क्या है, एकदम आसान सा चीज है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई सिग्नल ऐसे जा रहा है इस तरह का, तो ये सोच लेना अनुरूप संकेत है। कौन संकेत है? लेकिन अगर कोई संकेत ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इस तरह करके, तो इसको कहते हैं डिजिटल। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं अंकिक संकेत। क्या कहते हैं?
तो पहले जमाने में जो है संदेश इसी रूप में जाता था, जिसको कहते थे अनुरूप संकेत, जिसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। और याद रखिए ये बड़ा बेकार होता था, ठीक है। पहले याद करो जब टीवी, तुम लोग तो शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन पहले जब हम लोग मैच वगैरह देखते तो उसमें नेशनल टीवी में देता था, और हम लोग का एंटीना रहता था सीधा एल्युमिनियम, हम लोग हिला रहे हैं इधर कर रहे हैं देघर घुरा हल्का घुरा तो भी साफ साफ नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद एक हमारा दोस्त था, उसका नाम था समरा, उसको शादी में मिला था रेडियो, ठीक है। समर नाम था, समरा समरा हम लोग कहते थे, ठीक। उसको शादी में मिला था रेडियो, ठीक है। और जब रेडियो मिला था तो भाई वो बजाता था, ठीक। जब गाय चराने जाता था तो बजाता था, तो हम लोग भी कभी जाते थे क्रिकेट वगैरह खेलने तो उसको बोलते थे सुना गाना। तो उस समय क्या होता था, जैसे मान लो लता मंगेशकर गा रही है, तो लता मंगेशकर गा रही है बीच में क्या होता था, कहीं घर घुर करते रहता था, ठीक। मतलब उनका भी सुर खराब हो जाता था, उतना क्लियर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल था। कौन सिग्नल? एनालॉग सिग्नल का खासियत है कि बहुत दूर तक जाता है, ये बहुत दूर तक जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खासियत है कि अच्छा रूप से ये नहीं जाता, क्लियर है। इसका सबसे बड़ा खराबी, और इसको हम लोग कहते हैं एएम रेडियो, सुने होंगे एएम, और आजकल चलता है एफएम। क्या चलता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसमें झकास सुनाई देता है, देता है कि नहीं? हाँ, तो एएम का बात कर रहे थे। याद रखना, जो कौन होता है अनुरूप संकेत होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका देखो कैसे बताओ, ये इस तरह करके जा रहा था, बताओ साइन का ग्राफ जानते हो? क्या ये साइन ग्राफ जैसा है? बोला है कि नहीं? तो ये कैसा हुआ? जया वक्रीय। क्या कहेंगे? साइन को हिंदी में कहते हैं जया वक्रीय, ठीक है। तो याद रखना ये जया वक्रीय रूप में होता है। इसका मान देखो बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, यानी समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। किसके साथ? तो देखिए क्या बोल रहा है, वैसा संकेत जिसमें संदेश विभव या धारा के रूप में समय के साथ लगातार क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ लगातार, उसे क्या कहते हैं? और ये कौन रूप में होते हैं? जया वक्रीय रूप में होते हैं, बुझ गया। अब चलिए आंकिक संकेत का बात कर रहे हैं, तो याद करो अगर यूनिट 9 पढ़ा था तो बताया तो ऊपर वाली को वन कहते हैं, नीचे वाली जीरो, वन जीरो वन, आ रहा सुन? तो बोले यहाँ एक और जीरो के रूप में जा रहा, तो एक और जीरो बताओ ये संख्या है, और संख्या को अंक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा आंकिक संकेत। क्या पड़ा? यानी ये डिजिटल होगा बिल्कुल, या तो हाई वोल्टेज या तो लो वोल्टेज, या तो हाई वोल्टेज या तो वन को कहते हैं उच्च विभव, और जीरो को कहते हैं क्या? निम्न विभव। उच्च विभव निम्न विभव, उच्च विभव निम्न विभव, बस इस रूप में चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आंकिक संकेत। और आजकल जो भी देखे होंगे आप लोग, गौर किए होंगे आप लोग के घर में जो छोटा छतरी रहता है वो डिजिटल सिग्नल लेता है। क्या लेता है? आप देखिएगा लिखा है कभी डिजिटल केबल, लिखा था कि नहीं? डिजिटल, जो डिजिटल होता है उसका सबसे खराबी रहता है कि ज्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता, लेकिन जो चलेगा एकदम क्लियर चलेगा। देखिएगा सिंपल सा फ्री वाला भी डीटीएच रखिएगा, देखिएगा साफ चलेगा एकदम झकास चलता है, चलता है कि नहीं? तो वो क्यों? क्योंकि आजकल सिग्नल हो गया डिजिटल। ये बोल रहा है या तो देवो या तो नहीं देवो, समझे नहीं? या तो देवो या तो मतलब देवो, एक मतलब हाँ उच्च वोल्टेज बढ़िया से देंगे, जीरो मतलब नहीं देंगे, ठीक। अरे बोल रहा है धीरे धीरे मतलब देते रहता है लेकिन बढ़िया से नहीं देता है ना, इसका वैल्यू लगातार बदल रहा है, कभी ज्यादा हो गया फिर उसका मन खराब हो गया, न कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर कम, इस तरह के यही कारण से ये अच्छा से नहीं चलता मुझे। लेकिन ये बोलता है हाँ ना जो है एकदम क्लियर क्लियर, ये कभी बीच में नहीं रहा, देखिए आप इसको इस तरह समझ सकते हैं समझिए। अब मान लो ये लड़का है, क्या है लड़के, अब जैसे ये लड़का है, ये मान लो सोच ले कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, इस सोच लिया तो अच्छा से पढ़ लेगा, इस सोच लिया नहीं पढ़ना है तो जो भी काम करेगा वो भी अच्छा से कर लेगा। लेकिन बताओ ये बीच में रहा, ये सोच रहा पढ़ ले, फिर कभी कभी मन में हो रहा है कि ओ बड़ा बेकार लग रहा पढ़ने में छोड़ दें क्या, ठीक, फिर मन कर रहा है क्या कमा कर ले क्या, है ना, उसके पीछे चल जाएंगे मतलब उस काम के पीछे, ठीक। तो ऐसा चल, तो बोलो ये जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये बीच में ही फंसा हुआ है, तो बोलो क्या इसका कुछ अच्छा आउटपुट दिखेगा? तब घरघराएगा ही नहीं इसका जिंदगी, तो वही होता है ये बेचारा बीच में रहता है, लेकिन ये क्लियर है। अब समझ में आया? अब चलो देखो आंकिक संकेत,
बोल रहा वैसा संकेत जिसमें संदेश उच्च विभव तथा निम्न विभव के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं? आंकिक संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ पर देख भी रहा उच्च विभव निम्न विभव चमक रहा है इसमें, क्लियर है? क्लियर है सर जी, है क्या कीजिए? अब सुनो ध्यान से, अब आ गए मेन चीज पर, ठीक है? यही चीज है जिससे सबसे अधिक आने का क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा संकेत क्या है, संकेत का प्रकार बताएं, तो लिख दोगे इतना, और ये फिगर भी बना देना, ये अनुरूप में और ये अंकित में, बुझेगी संकेत? अब चलिए इधर बात करते हैं, किसका? इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयोग होने वाली मूल शब्दावली, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में प्रयोग होने वाली, यानी कुछ कुछ वर्ड है जो यूज होता है। सबसे पहला कूट बनाना, क्या बनाना? कूट बनाना, जिसको कहते हैं कोडिंग करना, क्या करना? कोडिंग, या इनकोडिंग, ठीक है? तो समझते हैं कूट बनाना क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज है। तो इमेजिन करो, मान लो हम जो है ये लड़का को ले गए को नाम है, और इसको बता दिए, ठीक, इसको बता दिए कि जब हम ऐसे इस जगह छुए ना बाबू, ऐसे इस जगह, तो सोच लेना तुमको यही काम करना है, यही बात, ठीक है? यही बात बोल रहे, इमेजिन करो जैसे हम बोल दिए, या फिर छोड़ो उतना, इसको इस तरह समझते, जैसे मान लो टेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है? अब टेस्ट दे रहा है, और इसको बाय टॉप करना है, क्यों? ये किसी के लिए बेचैन है, ये बोल रहा है सर हम टॉप करेंगे, सर उसको पता चलेगा सर बहुत खुश होगी, मेरी दादी ठीक है ना, तो सर प्लीज सर हमको टॉप करा दीजिए, सर इज्जत का सवाल है सर, प्लीज सर एक बार, तो हम बोले नहीं ये सब गलत काम है, फिर बोला सर ना सर थोड़ा सा 150 हमको थमा दिया, तो हम बोला चलो ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कैसे, चलो ठीक है, क्वेश्चन तो अभी छपा नहीं है, हमको पता नहीं है, तुम आना टेस्ट देने के लिए, हम भी आएंगे, ठीक है? अब इसको समझा दिए कि जब ए नंबर सही होगा तो हम ऐसे छुएंगे ना फर्स्ट वाला में, एक नंबर में सोच लेना ए सही है, ठीक है? कान छुएंगे सोच लेना बी सही है, ठीक है? माथा छुएंगे सोच लेना सी सही है, और ऐसे खड़े होंगे सोच लेना डी सही है ना? अभी क्या है, सबको तुम लोग क्वेश्चन पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, और हम जो है एक नंबर बोल रहे हैं, एक नंबर जैसे फर्स्ट में ऐसे करके छोड़ दिए, समझ गए? ठीक है, फिर एक बार फिर ऐसे कर दिए, सोच लिया दूसरा के आंसर डी, तीसरा ऐसे कर दिए, है ना? तो इस तरह करके बोला ये समझ जाएगा कि नहीं? तो बोला हम इस तक बताओ सूचना पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए, लेकिन सूचना को हम क्या किए, कोड में बदले, एक संकेत के रूप में बदल दिए, कैसे छुएंगे तो ये संकेत हो गया कि ए ही होगा, ऐसे छुएंगे तो बी ही होगा, है कि नहीं? तो बोलो पहुंच गया कि नहीं? तो याद रखना किसी भी संदेश को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो उसको कोड बना के भेजना पड़ता है ताकि वो जा सके और किसी को पता भी नहीं चले, क्लियर है? तो उसी कहते हैं क्या, कोड बनाना। क्या कहना? कोड बनाना। अगर एग्जाम सब्जेक्टिव रहता है, एग्जाम सब्जेक्टिव रहे तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ बात ऑब्जेक्टिव का हो रहा है, कम से कम कुछ होता है। चलो इधर देखो, कोड बनाना, क्या कहना? तो देखो जनरली हम लोग, ये हम लोग तो हो गया जनरल भाषा में आमतौर के जिंदगी में, लेकिन हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो बताओ मेरा ध्वनि क्या चलेगा किसी तार में? ध्वनि तो नहीं चल सकता, लेकिन इसको विद्युत रूप में बदल दे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जब किसी ऊर्जा को हम विद्युत रूप में बदल दे, विद्युत संकेत के रूप में बदल दे, इसी कहते हैं कोट बनना। क्या बनाना? तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी सूचना को अनुरूप या आंकिक संकेत के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एग्जाम में आ जाए कोट बनाना क्या है, क्या बता दोगे? अब चलिए देखिए बात करते हैं ट्रांसड्यूसर, क्या इस सबसे मेन चीज है, यही वाला सबसे अधिक आता है, अगर आएगा तो जनरली यही वाला आता है ट्रांसड्यूसर, तो याद रखना क्या पूछेगा ट्रांसड्यूसर क्या, और याद करो मॉडल सेट में भी था, बिहार वाला भी रहता है झारखंड वाला भी रहता है, तो ट्रांसड्यूसर क्या रहता है सुनिए ध्यान से, बोलते हैं वैसी युक्ति जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दे, एक रूप से उसको क्या कहते हैं ट्रांसड्यूसर, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है माइक, सबसे बढ़िया उदाहरण क्या, जैसे हम बोल रहे ध्वनि ऊर्जा, माइक क्या करता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता, तब ना तार के थ्रू जाता है, जाता है कि नहीं? तो बोलो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, तो कौन बदला? माइक, तो माइक क्या हो गया? अरे समझ में, तो देखिए क्या बोल रहा है, वह युक्ति जो ऊर्जा को एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ जो ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ लता, तो उसमें प्रकाश के रूप में सिग्नल आ रहा है, तो इमेजिन करो कोई फोटो भेजे या कुछ भेजे, तो सबसे पहले उसको क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है,
और इलेक्ट्रॉनिक को फिर किसके रूप में बदलता है, लाइट सिग्नल यानी प्रकाश के रूप में, तब इसके अंदर लाइट आता है। क्या आता है? प्रकाश तंतु में प्रकाश आ रहा है, तो वही प्रकाश फिर क्या हो जा रहा है, हम तो यहाँ पहुंच रहा है। फिर उसको क्या कर रहा है, लाइट को फिर किस में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा फिर ट्रांसमिट किया जा रहा है। आ रहा समझ? तो ये है क्या, ट्रांजिशन। तो बोल रहा है वही युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। बोलो, कोई तकलीफ? अब इसका बात कर, ठीक है? तो बात कर रहे हैं छीनता, किसका बात कर रहे हैं, छीनता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटेन्युएशन। क्या कहते हैं? याद रखिए, इसको कहते हैं छीनता या फिर एटेन्युएशन। तो समझते हैं कि छीनता क्या, बहुत ही आसान सा चीज है। जैसे बताओ, अभी हम बोल रहे हैं तो आपको जितना सुनाई दे रहा है, क्या पीछे वाला भी उतना सुनाई देगा? नहीं, पीछे वाला उतना सुनाई नहीं। वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी संदेश जब किसी माध्यम में चलता है, तो माध्यम में चलने से उसका शक्ति क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा क्या हो जाता है, जैसे जैसे वो दूरी तय करेगा, उसका सिग्नल क्या होगा, घटता जाएगा, उसका स्ट्रेंथ शक्ति क्या होगा, घट जाएगा। उसको कहते हैं चिंता। जैसे मान लो टावर लगा, मान लो बगल में हमारे टावर लगा, यहाँ फुल नेटवर्क है, यहाँ से 10 किलोमीटर चल जाएंगे, क्या फुल नेटवर्क मिलेगा? थोड़ा थोड़ा घटेगा। तो होता है कि कोई भी संदेश जब किसी माध्यम में चलता है, तो धीरे धीरे उसका शक्ति में कमी आ जाता है, उसी कमी को क्या कहते हैं, चिंता। तो देखिए क्या बोला, किसी विद्युत संकेत की शक्ति माध्यम अथवा संचार चलने में चलने से क्या हो जाती है, छीन हो जाती है। छीन मतलब कम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। अब बात कर रहे हैं रव, क्या कर रहे हैं, जिसको शोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए, ये जो रव है, इसी को शोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर, ठीक है? रव बोलो या शोर बोलो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉइज। क्या कहते हैं? देखो शोर क्या है, समझिए जरा ध्यान से। अभी मान लो हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, अब इधर बात कर रहे हैं, बीच में क्या हो रहा है, कुछ लड़का बात करना शुरू कर दिया, कुछ हो रहे मैटर। तो बताओ क्या वो हमारे जो सिग्नल जो हम भेज रहे हैं, जो हम संदेश पहुंचा रहे हैं, उसमें क्या वो आ रहा है कि नहीं, दूसरा चीज डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं वो? तो वही है शोर। वही क्या है, जिसको रव कहते हैं या नॉइज कहते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। ये तो हो गया जनरल भाषा में। और इलेक्ट्रॉनिक में बात करें, कभी कभी सुने होंगे, देखे होंगे कि आप फोन लगाए होंगे किसी को, तो जिसको फोन लगाया उसका आवाज आ ही रहा, लेकिन बीच में कहीं और सिग्नल भी जुड़ जाता है कि नहीं? तो वो क्या है, वही क्या है, रव। वही क्या है, रव या शोर। या कभी कभी पुराना टीवी सब में होता था, जब केबल वाला कनेक्शन आता था, तो होता क्या था, जी टीवी देखो तो उसमें स्टार प्लस बीच बीच में घुस जाता, हल्का हल्का फोटो उसका भी आता था, केबल वाला में सब होता था। तो बोलो हम चाह रहे थे कि जी टीवी में स्टार प्लस घुसे, लेकिन घुस जा रहा, तो वो क्या है, शोर। तो याद रखना, जिसको हम नहीं चाहे, या फिर इसको इस तरह आप समझिए, मान लो ये लड़का गया किसी से मिलने के लिए, ठीक, किसी से अब जा रहा था मोटरसाइकिल से एकदम फुल स्पीड में जा रहा था, कि मान लो ये इसका दोस्त है, मिल गया, रुक रुक कने जरूर, ठीक। अब ई भी इसके साथ बैठ गया, ई भी इसके साथ क्या हो गया, बोला चाह रहा था, क्यों रहे, ये चाह तो नहीं रहा था, ये बताओ अब उसके रहते जो ये काम कर सकता तो उतना अच्छा से कर पाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो बस वही है शोर। वही क्या है, याद रखना, जब कोई सिग्नल में कोई अवांछनीय सिग्नल, अवांछनीय मतलब जिसको चाह और वो अभी डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, शोर। तुम लोग कभी न कभी जरूर शोर का है ना, उससे जरूर पीड़ित रहे होगे। अच्छा तुम लोग ऐसा करता, मतलब तुम लोग शोर है जैसे कि चलो इधर देखो। तो बोल रहा वैसी अवांछनीय सिग्नल, देख रहा अवांछनीय मतलब जिसको चाहते नहीं है, वैसी अवांछनीय सिग्नल जो संप्रेषण व्यवस्था संदेश सिग्नलों में क्या उत्पन्न करती, विचो विचो मतलब डिस्टर्बेंस कहते हैं, डिस्टर्ब करे उसे क्या कहते हैं, रव। रव या शोर कहते हैं, आ समझ में? अब चलिए बात कर रहे हैं प्रवर्धन, क्या है प्रवर्धन, क्या सुनो ध्यान से। अभी मान लो तुम लोग इतना बैठे हो, तो भाई ठीक है हम जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है, लेकिन इमेजिन करो हम कहीं पर ऐसा जगह जाए जहां मान लो हजारों की संख्या में भीड़ हो, हजारों की संख्या में भीड़ हो, और हमको सबसे बात कर, मतलब हमको सब किसी को कुछ बात बताना है, तो बोलिए अभी हम बोलेंगे जितना जोर से उतना जोर से बोलेंगे, सबको सुनाई देगा? तो हमको क्या करना चाहिए, माइक ले लेना चाहिए, माइक वगैरह बोलेंगे क्या होगा, सबको सुनाई देगा कि नहीं देगा? तो वो क्या किया, मेरा जो सिग्नल था, मेरा जो संदेश था, उसका क्या किया, आयाम बढ़ा दिया, क्या कर दिया, ताकि वो सबको सुनाई देने लगे, है ना? तो इसी कहते हैं क्या, प्रवर्धन। क्या कहते हैं, आ रहा समझ में? तो देखिए क्या बोल रहा है,
सिग्नलों के आयाम में वृद्धि करने वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। और वह युक्ति जो सिग्नल के आयाम में वृद्धि करती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन। क्या कहते हैं? अब देखो परास, परास जिसको कहते हैं रेंज, क्या कहते हैं? तुम लोग जनरली कभी कभी जरूर रेंज का बात किए होगे। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे मान लो ब्लूटूथ ईयरफोन कर दे, ठीक है, और फोन रखे तुम लोग बोलता है कि रेंज कितना छू, पूछते हो रेंज मतलब कितना दूर तक काम कर जाता है, कितना दूर तक ये मान लो फोन यहाँ रखा है 10 मीटर तक काम कर रहा था, इसका रेंज हो गया 10 मीटर। लेकिन ये 8 मीटर तक काम कर पाता, 8 मीटर के बाद नहीं कर पाता, कितना रेंज हो गया? तो बोल सकते हैं सूचना स्रोत जहां से सिग्नल जा रहा है और जहां तक अच्छे से उसको क्या किया जा रहा, प्राप्त किया जा रहा, तो उसी दूरी को हम क्या कहेंगे? जिसको हिंदी में कहते हैं परास। क्या कहते हैं? तो देखिए क्या बोल रहा है, सूचना स्रोत तथा लक्ष्य के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? सूचना स्रोत और लक्ष्य मतलब जहां तक पहुंचना उससे दूरी को क्या कहते हैं? परास। अब देखो हेडिंग है पुनरावर्तक, क्या है? जिसको कहते हैं रिपीटर। क्या कहते हैं? तो चलिए पुनरावर्तक समझे, तैयार हो? मान लो ये लड़का जो है खेत में काम कर रहा है, ठीक है, मान लो ये लड़का क्या है, कर रहा या करवा रहा जो भी, ठीक, वैसे तो हमको लगता है काम करता होगा, क्यों करवाएगा, ठीक। तो चलो मान लो, अरे सुनो तो सही, हमारे बात सुनेगा, ठीक। अब ये लड़का मान लो खेत में काम करवा रहा, और इसका खेत जो है इसके घर से 2 किलोमीटर दूर है, कितना है? 2 किलोमीटर। और इसकी वाइफ एकदम गरम गरम नाश्ता बना करके तैयार हुई, सोच सोच के बनाए, हमारे दिमाग खाते खुश होते। अब क्या हुआ, बनाई नाश्ता और नाश्ता बनाने के बाद जो है घर से बाहर निकली और आवाज लगाई, सुना खाना रेडी, नाश्ता रेडी, उगल चाहे जा, सुनाई देगा इसको? सुनाई देगा, समझो जरा ध्यान से, अरे सुनो, सुनने लगता है तो क्या सुनाई देगा? नहीं देगा। तो भाई कैसे सुनाई देगा? अब जैसे मान लो ये लड़का है, अब मान लो इसका दुठो बेटा, इसका दुठो, अब ऐसा रहे, सुनो इसकी वाइफ घर के बाहर रहे और ये खेत में रहे, सुनेगा पहले मेरा? हाँ सर। इसकी वाइफ घर के बाहर और ये खेत में 2 किलोमीटर पर है, और मान लो इसका दोनों बेटा बीच में कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, मान लो कोई 1/2 किलोमीटर फिर 1-1.5 किलोमीटर इस तरह कुछ खड़ा हो गया। अब बोल लो इसके वाइफ आवाज लगाए कि सुनिए नाश्ता तैयार हो गया है, अब इसका बेटा फर्स्ट वाला बेटा सुना, वो सुना कि मम्मी पापा को बुला रहे, मम्मी पापा को बुला रहे, तो वो तुरंत आवाज लगाया कि मम्मी आपको नाश्ता के लिए बुला रही है, ठीक। अब वो भी नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन दूसरा बेटा फिर खड़ा, वो सुना, फिर वो क्या किया, उस सिग्नल को लिया, आवाज को सुना और फिर जोर से वो आवाज लगाया, मम्मी पापा को बुला रही है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सॉरी पापा, हाँ, अरे उतना ना, अरे मान ली हम ये सब चीज नहीं फील किए, पापा आपको मम्मी बुला रही है, तो बोलो क्या पहुंच जाएगा कि? तो बोलो जो परास था, परास मतलब दूरी, इसकी वाइफ का दो इतना परास नहीं था कि इस तक सिग्नल डायरेक्ट पहुंच सके, लेकिन बोलो दुठो जो बीच में इसका बेटा है वो काम में आया कि नहीं आया? तो इसका बेटा क्या किया, बीच में जो बेटा था खड़ा क्या किया, जो इसकी इसकी वाइफ जो भेजी सिग्नल वो सुनी, वो सॉरी वो सुना, इसका बेटा सुना, यानी सबसे पहले क्या किया, सुना वाला ग्रहण किया और ग्रहण करके उसको फिर जोर से बोला, यानी उसको सबसे पहले ग्रहण करके फिर क्या किया, प्रवर्धित किया, क्या किया, और प्रवर्धित करके फिर से उसको क्या कर दिया, प्रेषित कर दिया, किया। तो बोलो इसका बेटा सब रहने के कारण इसका परास बढ़ गया कि नहीं? तो याद रखिए यही है परवर्धक, इसका बेटा किसके काम किया, तो याद रखिए, सॉरी पुनरावर्तक, सॉरी गलती बोला रहा था, उसको क्या कहते हैं, पुनरावर्तक। तो पुनरावर्तक काम क्या है, सिग्नल को सबसे पहले ग्रहण करेगा, फिर प्रवर्धित करके फिर इसको क्या करेगा, दूर तक भेज देगा, और इससे क्या होता है, दूरी बढ़ जाता है, परास बढ़ जाता है। तो देखिए इसलिए तो दुटो था, तीन तो रहता तो और बढ़िया काम होता, और दूर भेज सकता, हमेशा बने से बात करेगा, पता है स्टेपना दिख रहा है, चलो इधर देखो, सुनो पुनरावर्तक, कन्वर्तक। तो बोल रहे हैं प्रेषक सिग्नलों का परास बढ़ाने के लिए बीच में प्रेषक तथा ग्राही के अनेक सेटों का प्रयोग किया जाता है, यह मध्य में बने प्रेषक तथा ग्राही के सेट को क्या कहते हैं,
पुनरावर्तक कहते हैं। क्लियर है इसको क्या कहेंगे? पुनरावर्तक। कोई तकलीफ? अब देखो बैंड की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? सुनेगा बात करते हैं बैंड की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? जिसको कहते हैं बैंड विड्थ। क्या कहते हैं? तो चलिए समझते हैं कि बैंड की चौड़ाई क्या है। बहुत ही आसान सोचो, ठीक है? चलिए इधर देखिए, सर बबलू आगे जाए। कृपया आप लोग शांति के साथ बैठे। चलो इधर, बैंड की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? समझो बैंड की चौड़ाई क्या है, एकदम आसान सोची। अरे पहले सुनो, आप कोई फोन वगैरह खरीदते हो तो आप लोग जनरली फोन का डब्बा तो बढ़िया से नहीं देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखते होंगे डब्बा में क्या फोटो कैसे लगा है, क्या क्या दाम है वगैरह वगैरह। लेकिन उस डब्बा पर देखिए लिखा रहेगा 2400 मेगाहर्ट्ज़ वगैरह वगैरह लिखा रहेगा, ठीक है? तो वो क्या होता है जरा समझिए, कोई भी सिग्नल को जब भेजते हैं, ठीक है, कोई भी जब सिग्नल को भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो आखिर सिग्नल का कुछ आवृत्ति होता होगा। तो जैसे मान लो जियो कंपनी या एयरटेल कंपनी, सबका क्या है फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग। अब जैसे मान लो जियो का फ्रीक्वेंसी 2400 मेगाहर्ट्ज, कितना है मान लो 2400 मेगाहर्ट्ज, और आपके मोबाइल में कैच करने कैपेसिटी नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी कैच करने वाला लगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या जियो सिग्नल आएगा? नहीं आएगा कभी। अरा समझ में? तो कोई भी फोन वगैरह बनता है तो उसका फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से सेट करके रखता है उसमें, ताकि उसको क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो वो जो 2400 मेगाहर्ट्ज है वो एक प्रकार से बैंड का चौड़ाई कहलाएगा, किसका? जियो का। आ रहा समझ में? तो इस तरह करके जैसे आप लोग रेडियो सुनते होंगे तो देखते होंगे 93.5 FM सुने, तो 93.5 मेगाहर्ट्ज पे उसका फ्रीक्वेंसी सेट है, उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट कीजिएगा अपना रेडियो तो वही चैनल पकड़ेगा, बुझे? तो वही हो गया उसका बैंड का चौड़ाई। क्या हो गया? यानी कितना से कितना पोर्शन में, जैसे मान लो इतना से इतना, यानी 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक उसका फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा, मैच कर रहा, इसलिए वो जो चौड़ाई हुआ उस फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का, उसी क्या कहते हैं बैंड की चौड़ाई। तो देखिए क्या होता है, किसी सिग्नल की आवृत्ति स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, क्लियर है? उसके बाद यहाँ कुछ लिखा है बैंड की चौड़ाई और उसका उपयोग लिखा है, जैसे निम्न आवृत्ति कितना होता है 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़, इसका यूज कहाँ करते हैं? ज्यादा दूरी संचार हो रहा है, ज्यादा दूर तक कोई सिग्नल को भेजना। तो मध्यम आवृत्ति 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़, किसके लिए? 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़, किसमें? सीबी रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो। सीबी रेडियो जो पुलिस वगैरह वायरलेस वगैरह नहीं होता, वही उच्च अति उच्च आवृत्ति, कौन आवृत्ति? 30 मेगाहर्ट्ज़ से, किस लिए? टीवी के लिए, एफएम के लिए और पुलिस वायरलेस के लिए। आरा समझ में? और देखो फिर क्या है, परा उच्च आवृत्ति, कौन आवृत्ति? 300 मेगाहर्ट्ज़ से, यूज किसमें आता है? और एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम बताया यूनिट 5 में, सिग्नल भेजते हैं एयरक्राफ्ट को, हवाई जहाज को उतरवाने के लिए, तो उसमें यही सिग्नल होता है। सूक्ष्म तरंग आवृत्ति कितना कितना होता है? 3 गीगाहर्ट्ज़ से ज्यादा, 3 गीगाहर्ट्ज़ से, और इसका यूज कहाँ होता है? रेडार में, मोबाइल टेलीफोन में, संचार उपग्रह वगैरह, ये सब। क्लियर है? बुझ गया होगा? तो ये सब है आपका जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये वाली क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछता ऑब्जेक्टिव कि टीवी प्रसारण के लिए, किसके लिए? टीवी प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति सही है, या कौन सी आवृत्ति का प्रयोग की जाती है? कितना याद रहेगा? किसके लिए? टीवी के लिए। बुझे? क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं। अब सुनो ध्यान से, बोल रहा प्रेशर माध्यम की बैंड की चौड़ाई, किसकी? प्रेशर माध्यम की बैंड की। अब हम कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। मान लो तुमको जो है बहुत सारा सामान भेजना, मान लो कहीं पर एक घर खाली हो रहा है, क्या हो रहा है? उसमें सोफा है, टीवी है, वगैरह वगैरह बेड है, बहुत सारा सामान है, और उसको लेके जाना, और एक गाड़ी से लेके जाना मान लो, और उसके लिए एक छोटा सा मैजिक किया, बोलो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन ट्रक करे तो चल जाता है, और आप देखिए अभी घर वगैरह शिफ्ट होता है तो ट्रक से लेके जाता है,
या फिर आप इसको इस तरह समझिए, मान लो ठीक है, अब जरा सोचो कि जो है हमको सामान लेके जाना है, मान लो 500 किलो का, कितना का 500 किलो का ठीक है सामान लेके जाना है, और उसको ले जाने के लिए हम इतना छोटा एकदम छोटा सा एक मोटर वाला गाड़ी लगा दिए, इतना छोटा मोटर वाला क्या लेके जा पाएगा? कभी नहीं ले जा पाएगा। तो समझिए जरा ध्यान से, तो एक सबका सबका एक औकात होता है कि वो कितना से कितना तक को किसी चीज को लेके जा सकता है ना। तो उसी तरह जो योजी होता है, योजी तीन तरह का होता है, एक होता है मुक्त आकाश, एक होता है तार योजक, और एक होता है प्रकाश तंतु। क्या होता है? तो समझना जरा ध्यान से, सब जो है, सब जितना भी ये सब है, ये सब प्रेषण माध्यम हुआ। ये सब क्या हुआ? यानी एक माध्यम हो जिससे हम किसी सिग्नल को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी सिग्नल को। तो याद रखिए, सबका एक औकात होता है, वो इतना से इतना फ्रीक्वेंसी को ही ले जा सकता है। ठीक है, जैसे इंटरनेट भेजने के लिए हमको चाहिए प्रकाश तंतु। क्यों? क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारा डाटा होता है, फोटो है, वीडियो है, कितना कितना चीज है, तो बहुत सारा डाटा है। अब सोचो उतना सारा डाटा तो उसका आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, 100 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा होता है, तो उसको आप तार से भेजिएगा नहीं जाएगा, मुक्त आकाश से भेजिएगा जाएगा, तो हल्का स्लो जाएगा, उतना अच्छा से नहीं जा पाएगा। इसलिए प्रकाश तंतु प्रयोग करते हैं। किसका? प्रकाश तंतु। क्या होता है? लाइट के फॉर्म में सिग्नल भेजता है, तो बहुत आराम से ले जा सकता है। तो सबका एक कैपेसिटी होता है कितना से इतना, तो वही उसका कहलाता है क्या? प्रेषण माध्यम का बैंड की चौड़ाई। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है विभिन्न प्रकार के प्रेषण माध्यम के लिए बैंड की चौड़ाई भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले प्रेषण माध्यम कौन है? तार है, मुक्त आकाश है, प्रकाश है। अब देखो तार में जो यूज करते हैं वो होता है समाक्षीय तार। कौन तार? तो समाक्षीय तार, यानी नाम से क्लियर है, समान अक्ष वाला। तो डिश वाला कभी अगर तार आप छीले होंगे तो आप गौर कीजिएगा, इस तरह करके आपको मिलेगा, बीच में एक तो तार रहेगा, इधर इस तरह करके ऐसे लपेटा रहा, गौर किए? हाँ, तो बताओ इसका एक्सिस और इसका एक्सिस सेम है कि नहीं? तो ये समाक्षीय तार। कौन तार? क्लियर है? ये क्या है? केबल वाला जो आता है डिश केबल, वो है समाक्षीय तार। ठीक, तो वही बोल रहा है, ये सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाले प्रेषण माध्यम। सही बात, सबसे अधिक इसी की यूज में लाता है। और बोल रहा है इसकी बैंड चौड़ाई कितना? 750 मेगाहर्ट्ज से कितना? 18 गीगाहर्ट्ज। क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कि समाक्षीय तार की बैंड की चौड़ाई होती कितना? 750 मेगाहर्ट्ज से 18 गीगाहर्ट्ज। ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए मुक्त आकाश, कौन आकाश? जिसको फ्री स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी बैंड चौड़ाई कुछ किलो हर्ट से कुछ गीगा हर्ट होती है, जैसे 2 किलो हर्ट से 2 गीगा हर्ट, 4 किलो हर्ट से 4 गीगा हर्ट, मतलब किलो हर्ट से गीगा हर्ट के बीच में आएगा, तो उसके लिए कम रहेगा। अब देखो प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर, बोल रहा है इसकी बैंड चौड़ाई 100 गीगा हर्ट से, याद रखिएगा। इसीलिए इंटरनेट भेजने के लिए फास्ट इंटरनेट भेजना कौन चाहिए? प्रकाश तंतु। क्यों? क्योंकि इसकी बैंड की चौड़ाई सबसे अधिक होती है, 100 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा, 100 गीगाहर्ट्ज से भी। क्वेश्चन जो अभी तक इससे बना, ऑब्जेक्टिव दो ठो से ही बना, एक ठो इससे बना है और एक ठो इससे बना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि समाक्षीय तार की बैंड की चौड़ाई होती है, ऑप्शन था 750 मेगाहर्ट्ज। एक और क्वेश्चन आया था कि 100 गीगाहर्ट्ज से ऊपर से आवृत्ति भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रेषण माध्यम का उपयोग की जाती है? प्रकाश तंतु। कौन तंतु? याद रहेगा, ठीक। अब आते हैं किस पर? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रेषण, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। अब सुनिए इसको अगला दिन पढ़ते, ठीक है? अगला दिन आधा घंटा और लगे, एक घंटा इसको कंप्लीट कर लेंगे।